नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर सरोज। और फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज है संडे, और ये वीडियो जो है आज के ही दिन मैं शाम के टाइम को जो है अपलोड कर दूँगी। और अभी जो है आज संडे का दिन मैंने हमेशा जो है रखा होता है डीप क्लीनिंग के लिए, पूरे घर की जो है मैं उस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज जो है मैं आपको ये बेडरूम की डीप क्लीनिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, मतलब बेडशीट धोने के लिए मैंने निकाल दी, और पिल्लो कवर जो है बाहर धूप, पिल्लो कवर भी धोने के लिए डाल दिए, और पिल्लो जो है बाहर धूप में सुखान मतलब धूप में रख दिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, रुई वगैरह थोड़ा सा सही आ जाती है धूप में रख के। और गद्दे भी मैंने सोचा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको भी धूप लगाए हुए, तो सोचा कि पहले अच्छी तरह से जो है झाड़ पोंछ करूँगी, तो गद्दे भी पहले बाहर ही रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये गद्दे भी उठाकर जो है मैंने दोनों निकाल दिए, और अभी हम ले जा रहे हैं इनको बाहर। तो यहाँ पे मैंने कहा बेबो मेरी हेल्प कर दो थोड़ा सा गद्दा बाहर ले जाने में, तो मैं और बेबो जो है, बेबो ने मेरे साथ दोनों गद्दे बाहर रखवा दिए। और ये जो आपको शूज़ दिख रहे होंगे दरवाजे के सामने, तो फ्रेंड्स ये जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वो वाले शूज़ हमने बाहर ही रखे होते हैं, उनको हम अंदर नहीं लेके जाते हैं। ये सब हमारे तीनों चारों के शूज़ यहाँ बाहर पड़े हैं, तो आप माइंड मत करिएगा इसके लिए। और बस यहाँ पे जो है अभी एक गद्दा मैंने निकाल दिया, और दूसरे को भी मैं अभी बाहर, मैं और भी वो बाहर धूप में डाल देंगे। और आप देख रहे होंगे एक बार के कपड़े जो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं, और अभी जो सेकंड टाइम की ये बेड शीट्स और सोफ़ा कवर्स होंगे उनको मैं डाल दूँगी। तो संडे का दिन ऐसे ही रहता है, संडे के दिन जो है काम मतलब कम होने की बजाय जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हस्बैंड को भी उस दिन छुट्टी होती है, तो मतलब काफ़ी जो है चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। और वैसे तो बच्चे आजकल घर में ही हैं, लेकिन संडे को ऐसा होता है कि बच्चों की क्लास नहीं होती है ऑनलाइन, तो इनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि जब धूप में सारी चीज़ें रख ही रही हूँ, तो अपनी मशीन भी थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। काफ़ी टाइम से जो है इसको भी धूप अच्छे से नहीं लगाई थी, तो बस फिर इसलिए जो है अपनी सिलाई मशीन भी मैंने उठाकर जो है बाहर रख दी। और बाहर जो है बेड़ा में हमेशा बाहर धूप लगने से पहले ही बेड़े की सफाई मैं कर देती हूँ, तो बेड़ा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और यहीं पे फिर मैं सारी चीज़ें जो है रख दूँगी। और अभी जो है काम देखिए शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैंने सोचा ये जो जालियां हैं अंदर, मतलब खिड़कियों की जाली है, इसको भी अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि हम रोज़ रोज़ ये सब ये जाले वगैरह नहीं झाड़ते हैं, हफ्ते में एक आधा दिन जो है ये इसके लिए रखा होता है। तो वैसे ही मैंने भी एक जो है संडे का दिन इसके लिए रखा होता है जाले वगैरह झाड़ने के लिए। तो वैसे तो कोमल के पापा भी पूरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन आज वो जो हैं कुछ काम से जो मार्केट गए थे, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो ब्रश की तरह है, तो इससे जो है सारा मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है जाली वगैरह। तो बस यहाँ पे अभी मैं पूरे कमरे के सबसे पहले तो जाले वगैरह जो छोटे मोटे हैं वो मैं निकाल दूँ, वैसे तो है नहीं इतने ज़्यादा, पर जो भी थोड़े बहुत होंगे उनको जो है सबसे पहले अच्छे से सफाई मैं कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पारस की चेयर ही ले ली थी, और इसी से ही जो है दीवारों के जो कॉर्नर वगैरह होते हैं उसमें जाले नहीं, छोटी छोटी ऐसी मतलब डस्ट सी बैठी होती है, तो वो भी मैं इस अच्छे से यहाँ पे निकाल दूँगी। तो इस बार जो है पिछले संडे को भी अच्छी तरह से मतलब पूरा डस्टिंग वगैरह नहीं, जाले वगैरह नहीं झाड़ पाए थे, और मतलब पूरे अच्छे से सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम घर चले गए थे दो तीन दिन के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं संडे के दिन ही अच्छे से जो है सफाई कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने कर्टन इसलिए लगा दिए क्योंकि बाहर से जो है धूप पड़ रही थी, और तो इसलिए मैंने यहाँ कर्टन लगा दिए।
तो यहाँ डिप जो है अच्छी तरह से पूरे देखिए मैंने ये जो है क्लीन कर लिया है, मतलब जाले वगैरह यहाँ पे मैं झाड़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर मेरे वीडियोस ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो उनको जो है लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस इसी तरह से जो है पूरे कमरे की मैंने अच्छी तरह से जाले वगैरह झाड़ लिए, मतलब पूरा जो भी ऊपर पर जो डस्ट रहती है उसको अच्छी तरह से झाड़ लिया। और फिर जो है ये जो ट्यूब लाइट्स हैं इन सब में मैं जो है फिर अलग से कपड़ा मार दूंगी। और ये है हमारा फ़ोटो। तो और यहाँ पे जो है अभी उसके बाद मैंने पहले पंखे को भी ऐसे ही इसी ब्रश से साफ़ किया, और फिर उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर अच्छे से कपड़ा मार लिया था। तो पहले तो मैंने इस पूरी जो जितनी भी डस्ट थी वो इससे निकाल ली, क्योंकि जो फ़ैन आपका मतलब चला रहता है उसमें ज़्यादा ये डस्ट हो जाती है, और जो थोड़ा कम चलता है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो मैंने कहा ना आपको संडे के दिन जो है ये सारे काम मेरे रहते हैं, चाहे डस्ट हल्की फुल्की हो या ज़्यादा हो, संडे के दिन जो है ये सारी सफाई होनी ही होनी है। और आपको दीवारें थोड़ी ऐसी लग रही होगी, तो ये जो है अभी कुछ टाइम से है, अभी इस घर में हमने पेंट नहीं हुआ है। अंकल जी ने अभी सोचा था कि इस बार पेंट करवा देंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है यहाँ अभी पेंट नहीं हो पाया। 4-5 साल से मतलब अभी पेंट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कब होता है। और ये देखिए एलसीडी का कवर भी मैंने जो है बनाया है, इससे जो है पीछे जो एलसीडी की इसकी एलईडी की जो बैक साइड है उसमें जो है डस्ट वगैरह नहीं मतलब चिपकती नहीं है, जो भी डस्ट होती है वो इस कपड़े में रह जाती है, तो इतना मतलब गंदा नहीं होता है ये। तो फ़ैन को अच्छी तरह से ब्रश से और फिर गीला कपड़ा मारने के बाद पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद अब शुरू हो गया है जो भी हमारी ये चीज़ें पड़ी है उनकी डस्टिंग का काम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है टीवी इसके आसपास ही मैंने सोचा पहले यहाँ पे ही मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने ऐसे ही कपड़ा मारा, क्योंकि जो अभी धूल वगैरह ऊपर से आई हुई थी तो मैंने सोचा पहले इसको हटा लेती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं जो कॉलिन के साथ जो है साफ़ करूँगी। तो बस फिर वो ऊपरी डस्ट झाड़ने के बाद फिर मैंने अच्छे से कॉलिन से इसको टीवी को और जो मतलब इस इधर उधर ये पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, बिल्कुल जैसे मैंने काम किया था वैसे ही किया है। बीच बीच से कुछ क्लिप जो है हटा दिए हैं, और जो जो मतलब वो था ज़रूरी था वो मैंने जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये मैंने बेडरूम की डीप क्लीनिंग ही आपके साथ जो है शेयर की है। तो एक साइड बेबो लग गई थी डस्टिंग करने और एक साइड मैं लगी हुई थी, तो बस हम दोनों माँ बेटी जो है आज मिलकर इस बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर रहे थे। तो बस अभी जो है ये वाला साइड भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, और अभी आती है बेड की बारी। तो पहले तो ये मैंने चेयर और मुड्डा साइड कर लिया, क्योंकि मैंने फ़ैन को झाड़ा था तो फ़ैन के जो जितनी भी डस्ट पड़ी थी उसको मैंने बेड से अच्छे से साफ़ कर लिया है, वो मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाई है। और उसके बाद जो है अभी लग गए हम बेड की जो है क्लीनिंग करने, क्योंकि थोड़ा छोटा मोटा कपड़ा तो हम मार देते हैं लेकिन ऐसे अच्छी तरह से मतलब डीप क्लीनिंग जो है रोज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी लग गई हूँ ये करने। तो बस इसी तरह से जो है पहले मैं बेड की टो को अच्छे तरह से कॉलिन से साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है बेड के इधर उधर हर तरफ से जो है हम अच्छी तरह से पूरा क्लीन करेंगे। तो एक साइड को मैंने बेबो को बिठाया था कि मेरा हाथ इतनी दूर नहीं पहुँचेगा, तो एक साइड से मैं क्लीन करती हूँ, एक साइड से बेटा आप कर दो। तो बस फिर यहाँ पर जो है अभी हम ऐसे ही पूरे बेड को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे कॉलिन से ही।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा जो है बेड मैंने इधर उधर से भी अच्छे से जो है कॉलिन से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। जो भी छोटे मोटे दाग इसमें लगे हुए थे वो बिल्कुल जो है अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और क्योंकि ऐसा होता है ना, इधर उधर जो है बच्चों के हाथ लग जाते हैं, बच्चों वाला घर होता है तो उस टाइम क्या कह सकते हैं बच्चों को, तो हो जाता है। अब जो बच्चों वाला घर है वहाँ कुछ ना कुछ जो है कैसे वैसे हाथ जो हैं लग जाते हैं। तो बस ये जो है अभी बिल्कुल मैंने अच्छे से क्लीन जो है बेड को चारों तरफ से कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बेड जो है बहुत ही पुराना हो गया है हमारा, लेकिन ये अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब नया जैसा ही लगता है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी गंदा होने नहीं देती हूँ। और जब भी बेबो छोटी सी थी तब ये बेबो के टाइम, मतलब बेबो छोटी थी उस टाइम का ये बेड था, बेड है। और अभी देखो बेबो जो है इतनी बड़ी हो गई है, तो मतलब ये बेड भी जो है काफ़ी पुराना हो गया है। तो बस यहाँ पे अभी जो है मतलब सारा ही मैक्सिमम मैंने काम कर लिया है डस्टिंग का, और साफ़ सफाई जो है सारी हो गई है। बस अभी आ गई है बारी झाड़ू की, तो अभी बस जी फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू यहाँ पे इस कमरे में, और फिर चलेंगे दूसरे कमरों में। तो यहाँ पे क्योंकि मैं जो है बच्चे इधर उधर चलने लगेंगे, तो मैंने सोचा पहले इस कमरे में झाड़ू लगा के जो है बाहर की तरफ को कर देती हूँ कचरा, ताकि इस कमरे में बच्चे आए भी तो उनके पैरों में जो है भी डस्ट मिट्टी ना लगे। तो फ्रेंड्स बस फिर अभी लगा लेते हैं झाड़ू और अभी गर्मियां हैं तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सारे मैट सब कुछ मैंने जो है उठा के रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ वहाँ अंदर कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया है, और अभी मैं आ गई हूँ हॉल पे। तो मैंने सोचा बेडशीट चेंज करी हूँ, ये सोफ़े के कवर भी चेंज कर देती हूँ, कई दिनों से जो है ये लगे हुए थे। तो यहाँ पे भी मैंने वो जो है सारे कपड़ों को अच्छी तरह से उठा लिया, और सोफ़े के कवर और यहाँ की बेडशीट को भी देखिए यहाँ पे जो है चेंज कर लिया। तो ये जो सोफ़े के कवर हैं ये मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, तो काफ़ी अच्छा मतलब कलर मुझे लगा था, और इसके साथ जो है एक मैट भी मंगवाई थी। तो क्योंकि वो मैट भी जो थी ब्लू कलर में, उन्होंने मतलब वैसे तो शो तो ब्लू कलर में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है गलती से जो है मैरून कलर साथ में भेज दिया। और फ्रेंड्स अभी जो है पूरे घर को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, पोछा भी मैंने लगा लिया है, और अब आप आ रही आती है गद्दे बिछाने की। तो यहाँ लगे हम अब ये गद्दे हम ले आए अंदर, क्योंकि काफ़ी देर इनको धूप में रखे हो गई थी, तो ये अच्छी तरह से मतलब दोनों तरफ के एक तरफ बार मैंने जो है बीच में इनको पलट दिया था, तो अच्छी तरह से जो है आज इनको धूप लग गई। और अभी फिर बिछा रहे हैं बेडशीट, और ये आप देख रहे होंगे कोई ना कोई जो है हेल्प करने के लिए साथ में लग ही जाता है। तो अभी बेबू गई तो पारस मेरे साथ यहाँ पे हेल्प के लिए लग गया बेडशीट सेट करने में। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, अभी जो है मैक्सिमम पूरा घर हमने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो अभी मैं फाइनली जो है आपको दिखा देती हूँ अपना जो है अच्छे से दोनों कमरे, हॉल। और तो अभी जो है ये देखिए, बाहर पूरा अच्छे से सेटिंग हमने कर दी है, पूरा सोफ़े के कवर चेंज कर दिए हैं, सारा कुछ बेडशीट्स वगैरह जो चेंज करनी थी वो कर दिए हैं, और धोने को भी मैंने जो है मशीन में डाल दिए हैं। और ये देखिए दूसरा कमरा भी अच्छे से क्लीन हो गया है, और कपड़े आप देख रहे होंगे, बेडशीट मैंने डाली हैं और कपड़े अभी जो हैं धोने के लिए रह गए हैं एक साइड को। तो अभी जो है पूरी सफाई हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अभी जो है वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर कर दूँगी, काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है ब्लॉग आज का हो गया है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।